नया दिन नई शुरुआत। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं द एसपीजीवी ब्लॉग। द एसपीजीवी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हैं हम ईस्ट दिल्ली में और आज जो हम घूमने आए हैं, आज हम जो ब्लॉग बना रहे हैं वो है क्रॉस रिवर मॉल का, जो कि ईस्ट दिल्ली में है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो गाइस, जो इसकी लोकेशन है वो है कक्कड़डूमा कोर्ट, जो है ईस्ट दिल्ली में प्रीत विहार के पास, उसके बिल्कुल पास में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी, ये मॉल मिलेगा। यहाँ पे जो है आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, बाय बस आ सकते हैं, ऑटो से आ सकते हैं या कैब से आ सकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगी। और गाड़ी जो पार्किंग करना चाहते हैं तो गाड़ी जो है आप मॉल के दोनों साइड, मतलब मेन रोड साइड और पीछे की साइड, आप जो है गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग जो है बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो इस ब्लॉग को जो है आप अंत तक देखें। आइए चलते हैं और एंट्री कर लेते हैं इस मॉल के अंदर और आपको जो है फ्लोर वाइज समझाते हैं कि इसमें फ्लोर वाइज आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ये है क्रॉस रिवर मॉल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पार्किंग जो है आपको इस मॉल के अंदर भी मिल जाएगी, लेकिन जो है आप अपनी गाड़ी यहाँ बाहर भी लगा सकते हैं, बाहर भी आपको जो है पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाएगी और जहाँ पे चार्जेस देकर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। मॉल के बाहर ही जो है आपको बच्चों के खेलने कूदने के जो है टॉयज़ वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए, बच्चे जो है इंजॉय कर रहे हैं बाहर ही कुछ इस तरह से। लोग को जंपिंग वम्पिंग कराना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है ये फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। 100 रुपीज़ का टिकट है, आप अगर बच्चों को जो है यहाँ पर लेके आते हैं और उनको जो है खेलने कूदने के लिए राइड्स देते हैं। तो आइए एंट्री कर लेते हैं इस मॉल के अंदर, अंदर से आपको पूरे मॉल को दिखाते हैं। गाइस, ये जो मॉल है ये 3 फ्लोर्स में डिवाइडेड है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। थर्ड बहुत छोटा है, ये देखिए, और लिफ्ट लगी हुई है ऊपर तक जाने के लिए। फ्लोर पे जो है अधिकतर आपको शॉपिंग वगैरह की चीज़ें मिलेंगी, शोरूम मिलेंगे और खाने पीने के जो है आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह मिलेंगे। जो बड़ी ब्रांड हैं वो हैं आपके यहाँ पे मैकडी और हल्दीराम, यहाँ पे जो है आप खा पी सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिल जाएंगे। कैफ़े कॉफ़ी डे का भी यहाँ पे आउटलेट है गाइस। लैपटॉप या आपको मोबाइल वगैरह खरीदना है तो टैक नेक्स्ट का शोरूम आपको। और ये है गाइस फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे आपके सारे कपड़ों के शोरूम आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आइए पेंट रूम्स के अंदर एंट्री करते हैं, वहाँ दिखाते हैं। कैरी हाउस गाइस, जंगल सफारी करना है, कपड़े खरीदने हैं तो आपको फर्स्ट फ्लोर पर आना पड़ेगा। बहुत सारे मल्टीपल शोरूम मिल जाएंगे आपको। और ये है लिफ्ट सामने, थर्ड फ्लोर तक लिफ्ट जाती है। ऊपर बन रहा है बैंकेट हॉल, बहुत जल्दी बैंकेट हॉल मिलेगा आपको। और नीचे जो है आपको बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए, ये देखिए, प्ले जोन बनाया गया है। तो अभी हम थर्ड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मेरे बैक साइड में जो है सारे कपड़े के शोरूम हैं, कुछ खाने पीने के रेस्टोरेंट्स भी हैं। और इधर चलते हैं तो इधर जो है ये बच्चों के लिए प्ले जोन है, यहाँ पे राइड्स वगैरह देखने को मिलेंगी, बच्चे राइड कर सकते हैं। दोस्तों, 7D 9D जो मूवीज़ यहाँ पे दिखाई जाती हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। 100 रुपीज़ का टिकट होता है पर पर्सन का। तो आज हम जो हैं इस तरह की मूवी देखना चाहते हैं, 9D और 7D की। तो गाइस, ये है फियर फंडा, अंदर जो है भूतों का हॉरर शो दिखाया जाता है। यहाँ पे सिनेमा है, अगर आप यहाँ पे इस मूवी देखने के लिए आते हैं तो आपको जो है टिकट आपको जो है ग्राउंड फ्लोर पर ही मिल जाएगी। हम 9D मूवी देखेंगे यहाँ पर, काफ़ी एडवेंचरस मूवी होती है। आपको जो है स्पैक्स लगाना होता है और आपको ऐसा फील होगा कि आप जो है मूवी के अंदर ही बैठे हैं। टिकट ले लेते हैं, 100 रुपीज़ की टिकट रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बैठ के हम मूवी देखेंगे, 9D मूवी चलने वाली है, सामने है स्क्रीन। हमने टिकट ले लिया है और हमने आप कुर्सी पर बैठ गए हैं। 100 रुपीज़ का टिकट है, 300 रुपये खर्च किए हम लोगों ने यहाँ पे 9D मूवी देखने के लिए। काफ़ी दिन पहले देखी थी, 5D मूवी हुआ करती थी, अब चेंज हो चुका है। तो यहाँ का एक्सपीरियंस हम आपको बताएंगे किस तरह का एक्सपीरियंस रहा हमारा। Thank you.
ऐसा लग रहा था कि हमारा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो गया। इससे तो जो हमने पहले एक बार 5D मूवी देखी थी वो बहुत अच्छी रही थी एक्सपीरियंस। तो आप आएँ तो जो है आप चूज़ करें कि आपको देखना है या नहीं देखना, या फिर कोई दूसरी मूवी देखें। हमने तो जुरासिक पार्क जैसी मूवी देखी थी यहाँ पर। दोस्तों 100 रुपीज़ का टिकट लिया है हमने और दोनों बच्चे यहाँ पर जो हैं वो राइड ले रहे हैं। 5 साल से छोटे बच्चे के साथ जो है पेरेंट्स में से एक जना जो है साथ में बैठ सकता है। रोहन के साथ जो है उसकी मम्मी बैठी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों ये राइड तो हमारी पैसा वसूल रही, 3 मिनट की राइड होती है 100 रुपीज़ में। और इस तरह की राइड जो हैं और भी बच्चे कर सकते हैं यहाँ पे, जो डिफरेंट टाइप ऑफ राइड्स आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं इस मॉल के बाहर। देखिए बच्चे राइड्स कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा भूख लगा है तो हम जो है हल्दीराम में जा रहे हैं, कुछ खा भी लेते हैं क्योंकि डिनर का भी टाइम हो रहा है हमारा। और अंदर जाके हम दिखाते हैं हम क्या खाएंगे हल्दीराम। तो दोस्तों ये आ गई हमारी राज कचौड़ी, कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसको डेकोरेट किया है देखिए। इस तरह राज कचौड़ी जो है आपको हल्दीराम में मिलेगा। दोस्तों ये देखिए भटूरे हैं, ये छोले और ये प्याज साथ में मिलती है चार हल्दीराम में। और भटूरे में खासियत ये है कि आपको जो है बिल्कुल ऑयली नहीं दिखाई देंगे, और साइज भी एडिक्वेट है, काफ़ी अच्छा साइज है। दोस्तों हमने जो है हल्दीराम में जो है अपना डिनर कर लिया एक तरीके से। सबसे पहले राज कचौड़ी खाई और फिर छोले भटूरे दिए, उसके बाद जो है क्योंकि पेट नहीं भरा था तो हमने जो है वेज चाउमीन ली। तीनों आइटम बहुत अच्छे लगे और टोटल मिला के करीब 600 रुपये का हमारा बिल आया। आपको पिज़्ज़ा खाना है पिज़्ज़ा हट में खा सकते हैं। बर्गर किंग तो आपने नाम सुना ही होगा, अब जो है बर्गर सिंह भी खुल गया है। एंड देन आपका वुडलैंड का शोरूम, बहुत ही अच्छे आइटम्स मिलते हैं। तो अब जो है हमने खाना खाने के बाद डिसाइड किया कि आइसक्रीम खाएंगे, और आइसक्रीम जो है हम मैकडी में खाएंगे। ग्राउंड फ्लोर पे जो है आपको यहाँ पे मैकडी भी मिलेगा जहाँ से जो है सॉफ्टी लेंगे। तो हम जब भी आते हैं ना यहाँ पे तो ये जरूर लेते हैं मैकडी का आइसक्रीम, वो भी चॉकलेट फ्लेवर, बहुत ही मज़ेदार होता है। और खाना खाने के बाद तो इसकी बात ही अलग होती है। दोस्तों ये था हमारे क्रॉस रिवर ईस्ट दिल्ली मॉल का जो है ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह के ब्लॉग जो है हम लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर ब्लॉग SPGB ब्लॉग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू।